यूपी का सियासी घमासान लगातार तेज हो रहा है। यूपी में मुसलमानों को साधने में जुटे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी मस्जिद, मुसलमान मॉब लिंचिंग और सीडब्ल्यूए के सहारे मुस्लिम वोटर्स को साधते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव का सियासी घमासान, सियासी समीकरण साधने में जुटे सियासी दल, ओवैसी बिगाड़ेंगे एसपी बीएसपी का खेला, मुस्लिमों के नए मसीहा बनने में जुटे ओवैसी, बड़ा सवाल इस बार मुस्लिम देंगे किसका साथ। अगले साल देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। अचानक मुस्लिम, ओबीसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और दलितों की बात होने लगी है। वोटरों को लुभाने की सारी तिकड़में शुरू हो गई हैं। चुनावी रण में सभी राजनीतिक दलों का एक दूसरे के वोट पर चोट करने का इरादा है। चुनावी शतरंज की बिसात पर जीतेगा वही जो अपने वोट बैंक को हिलने नहीं देगा और दूसरे को तोड़ लाएगा। लिहाजा मतदाताओं को लुभाने के लिए विवादास्पद बयानों, गोष्ठियों का दौर शुरू हुआ है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 3 दिन लगातार यूपी में मेहनत की है। 7 सितंबर को ओवैसी ने अयोध्या से चुनावी शंखनाद किया, फिर कमोबेश पूरे पूर्वांचल के मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश की। दौरे के आखिरी दिन ओवैसी ने बाराबंकी में हुंकार भरी और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान ओवैसी मस्जिद, मुसलमान, मॉब लिंचिंग और सीए के जरिए चुनावी टोन सेट करते नजर आए। एक और कानून बनाया गया, सीडब्ल्यूए का कानून, शहरियत का कानून, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। हमने कहा ये बाबा साहब अंबेडकर के बनावे संविधान के खिलाफ है। पूछिए इन लोगों से, ये समाजवादी बीएसपी से कानून की मुखालिफत कैसे करते ये लोग। अखिलेश यादव तकरीर कर रहे हैं सीडब्ल्यूए के कानून के ऊपर और बोल रहे हैं कि मैंने लखनऊ हाईवे बनाई उस पर जेट उतार दिया। पार्लियामेंट में बहस हो रही है शहरियत के कानून पर और मोहतरम अपनी रोड का जिक्र कर रहे हैं। ये इनका रवैया। किसने कहा कि ये कानून संविधान के खिलाफ है? संविधान में मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। किसने पूरी पार्लियामेंट में मोदी के 300 एमपी के सामने हमने इस कानून को बताया काला कानून है, जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के गलत कानून को फाड़ा था, जलाया था। मैंने कहा कि मैं गांधी को देखकर इस कानून को मोदी के सामने फाड़ता हूं, यह कानून को रिजेक्ट करता हूं। और तुम मुझे फिरका परस्त कहते हो, तमाम लोग कहते हो वैसी फिरका परस्त है, वाले हैं, लड़ना चांद चाहते हैं। हम आपका हकूक, आपका हक दिलाना चाहते हैं जो भारत के संविधान ने सबको दिया है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 MLA मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के MLA को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यूपी का घमासान काफी तेज हो गया है। ओवैसी अपने भाषणों के जरिए मुस्लिम वोटरों को साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री के ऐलान से सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी को है। प्रदेश में 19% मुस्लिम वोटर हैं, ये मुख्य रूप से सपा को वोट देते आए हैं। सपा ने मुस्लिम और यादव वोटरों को थाम कर प्रदेश में कई बार सत्ता का स्वाद चखा है। बसपा और कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में सपा पर ही मुसलमानों ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। लेकिन अगले यूपी चुनाव में ये गणित बदलने के आसार हैं और इसे बदलने का काम ओवैसी करने में जुट गए हैं। ओवैसी के दौरे से सपा की सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ी है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए अखिलेश क्या रणनीति बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।